दोस्तों, भूत प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व का होना किसी इंसान के विश्वास पर निर्भर करता है। बहुत से लोगों का मानना है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उन्होंने भूत और आत्माओं को अपनी आंखों से देखा है। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आज का विज्ञान भी कुछ नहीं कहता। विज्ञान ना तो आज तक इन बातों का खंडन कर पाया है और ना ही ऐसे कोई सबूत इकट्ठे कर पाया है जिससे पैरानॉर्मल एक्टिविटी और सुपरनेचुरल पावर होने के दावे को पुख्ता किया जा सके। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप लोग खुद इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई भूत और आत्माएं होती हैं। ये बात है 12 नवंबर 2011 की, जब लटोया एमस नाम की एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ कैरोलिना पर स्थित एक किराए के घर में रहने आई। शुरुआत से ही ये लटोयो को कुछ पसंद नहीं था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने इसी घर में रहने का फैसला किया। और कुछ दिन बाद से ही एक के बाद एक सिलसिलेवार घटनाओं ने लटोया और उनके परिवार के जीवन में एक तूफान सा खड़ा कर दिया। दिसंबर 2011 में लटोया की फैमिली का पहली घटना से सामना हुआ जब एक ब्लैक फ्लाई ने लटोया के घर पर हमला बोल दिया। उनके घर में एक साथ लाखों ब्लैक बग फ्लाइज घुस आई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में इन फ्लाइज का मिलना लगभग असंभव सा होता है, क्योंकि ये फ्लाइज सर्दियों में किसी गर्म जगह पर चली जाती हैं। इस मौसम में इन फ्लाई का यहां होना किसी अजूबे से कम नहीं था। लटोयो ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बार घर के बेसमेंट की सीढ़ियों के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी। इन सवालों से तंग आकर उन्होंने बेसमेंट तक जाने वाले रास्ते को भी लॉक कर दिया था, लेकिन फिर भी उन कदमों की आवाज आना बंद नहीं हुई। एक रात लटोयो की मां को किसी अनजान आदमी का धुंधला साया नजर आया, लेकिन जब उन्होंने इस साये का पीछा करने की कोशिश की तो वहां किसी आदमी के जूतों के निशान के अलावा और कुछ नहीं मिला। 10 मार्च 2012 की इस घटना के बाद लटोया की फैमिली का डर विश्वास में बदल गया और इन लोगों को विश्वास हो गया कि उनके घर में किसी न किसी शैतानी आत्मा का साया है। लेकिन पूरा सच अभी सामने आना बाकी था। उस रात तकरीबन 2 बजे लटोया और उनकी मां को उनकी बेटी के रूम से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जब वो दोनों उसकी बेटी के रूम में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। लटोया की 12 साल की बेटी बेहोश हालत में हवा में लटकी हुई थी, जिसे देखकर लटोया और उनकी मां बुरी तरह से डर गए। कुछ देर बाद जब उस बच्ची को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लटोया और उनके परिवार ने किसी की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने पास के एक चर्च के पादरी से अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन उस पादरी ने उनकी कोई मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो पादरी उस घर के इतिहास से वाकिफ था और उसका डर उसे लटोया की कोई भी मदद करने से रोक रहा था। हालांकि उस पादरी ने उन्हें बताया कि जिस घर में वो लोग रह रहे हैं वहां एक दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा प्रेत आत्मा हैं। और ये बात सुनकर लटोया के होश उड़ गए। पादरी ने कहा कि उस घर को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाना चाहिए, लेकिन लटोया की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सकते थे। कुछ दिन बाद लटोया के 3 बच्चों के शरीर में आत्मा प्रवेश करने लगी। ऐसा होने पर उन बच्चों की आवाज भारी हो जाती थी और उनके चेहरे पर एक डरावनी स्माइल दिखाई देने लगी थी। उनके परिवार के लिए कुछ रातें इतनी ज्यादा डरावनी होती थी कि उनको रात गुजारने के लिए किसी होटल में ठहरना पड़ता था। इन दो आत्माओं का साया उन बच्चों पर इस तरह हावी हो चुका था कि कई बार उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था और हॉस्पिटल का स्टाफ और डॉक्टर्स भी इन पैरानॉर्मल घटनाओं को देखकर दंग थे। लटोया का 9 साल का बेटा अचानक अजीब हरकतें करने लगा और अचानक चलते हुए हॉस्पिटल के कमरे की दीवार पर चढ़ गया और फिर कमरे की छत पर चढ़ने लगा। इस घटना के दौरान अस्पताल का स्टाफ भी वहां पर मौजूद था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने पुलिस को दी गवाही में इस बात की पुष्टि की कि उनके सामने ऐसा हुआ था और वो खुद भी ये सब देखकर चौंक गए थे। इस घटना के बाद सभी को ये विश्वास हो गया था कि ये बच्चे पोजेस्ड हो चुके थे। और इसके बाद से पुलिस, हॉस्पिटल और चर्च के लोगों ने लटोया और उनकी फैमिली की मदद करने का फैसला किया। चर्च के पादरी ने लटोया के घर जाकर बच्चों पर एक्सोर्सिज्म की क्रिया को संपन्न किया। ऐसा माना जाता है कि एक्सोर्सिज्म के करने से पीड़ित को भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल जाता है।
इस क्रिया के संपन्न होने के कुछ ही दिनों बाद उस पादरी की तबीयत खराब होने लगी और उस पादरी ने यह माना कि उस घर पर की गई एक्सोर्सिज्म की क्रिया के बाद से ही उनका यह हाल हुआ है और घर में रहने वाली आत्माओं से उलझने का बुरा परिणाम उनको झेलना ही पड़ेगा। धीरे धीरे एक एक करके लाटोया के परिवार को उन 200 प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलाया गया, लेकिन इस घर से जुड़ी दहशत भरी यादें लाटोया को हमेशा परेशान करती थीं। और फिर सरकार की मदद से लाटोया की फैमिली को दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया गया। इस घर के 200 प्रेत आत्माओं वाली बात इतनी ज्यादा मशहूर हो चुकी थी कि आसपास के घरों के लोग भी हमेशा डरे सहमे रहते थे, जिसके कारण सरकार ने इस घर को नेस्तनाबूद करने का फैसला किया और 6 महीने बाद इस घर को गिरा दिया गया। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। आप हमारी आगे की वीडियोस के लिए हमें कमेंट्स में बता भी सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी मिस्टीरियस वीडियो के साथ।